हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ कपल इन जर्मनी में। तो हम बनाते हैं वीडियोस अबाउट लाइफ, ट्रैवल, स्टडी एंड वर्क इन जर्मनी। तो बहुत ही अच्छा मौसम है आज, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज बाहर आके वीडियो शूट किया जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्प्रिंग शुरू हो गई है तो मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। तो अभी अप्रैल आ रहा है और नया सेमेस्टर भी शुरू होगा, तो हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टा पे DM किया था कि पार्ट टाइम जॉब्स के क्या अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स होते क्या है, कौन से जॉब्स कर सकते हैं, सैलरीज क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाला है और इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम इंस्टा पे भी है, सो हमारा इंस्टा अकाउंट है अ कपल इन जर्मनी। तो हम रेगुलरली उस पर रील्स या स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब्स होते क्या है। तो ये वो जॉब्स होते हैं जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तब जब जॉब करते हो उसे स्टूडेंट जॉब या पार्ट टाइम जॉब्स कहते हैं। तो जर्मनी में आप ऑन स्टूडेंट वीज़ा अप टू 20 आवर्स तक पार्ट टाइम जॉब या स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं। तो साल में आप 120 फुल डेज एंड 240 हाफ डेज तक वर्क कर सकते हैं। तो फुल डेज वो होता है जब आप 8 आवर्स पर डे काम कर सकते हैं एंड बिलो दैट इज कंसिडर्ड एज हाफ डे। तो अब जानते हैं स्टूडेंट्स कौन से टाइप्स के जॉब कर सकते हैं। तो पहले होते हैं मिनी जॉब्स, दूसरे होते हैं टाइटजेड जॉब जिसे पार्ट टाइम जॉब भी कहा जाता है, एंड तीसरे होते हैं स्टूडेंट जॉब्स जो कि यूनिवर्सिटी या कंपनी में किए जा सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि इन जॉब्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो मिनी जॉब जो होता है बेसिकली उसमें आपकी जो पे है वो 450 यूरोज ही होती है, आप उससे ज़्यादा नहीं अर्न करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको आपकी जो अर्निंग्स है उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो टाइल्साइड जॉब होती है वो आर्ली पेमेंट होती है, तो बेसिकली आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जितने भी आर्स आप जॉब कर रहे हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। ये मिनी जॉब या टाइल्साइड जॉब जो होते हैं वो जनरली नॉन टेक्निकल जॉब्स या जिन्हें ऑड जॉब्स कहते हैं वो वाले होते हैं। तो ये पकड़ लीजिए कि आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या फिर जो डिलीवरी सर्विसेज यहाँ पर होती है जैसे लीफरांडो है, गोरिलास है, वहाँ पर आप एक डिलीवरी बॉय के टाइप काम कर रहे हैं। तो ये वाले जो जॉब्स होते हैं वो मिनी जॉब या टाइल्साइड जॉब्स में हो सकते हैं। जो थर्ड टाइप है उसे जनरली स्टूडेंट जॉब कहा जाता है बिकॉज इट इज़ टेक्निकल इन नेचर। तो यहाँ पर आप कंपनी में या फिर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो आपका जो रोल होगा वो, जैसे मैंने किया था स्टूडेंट जॉब, तो मैं कंपनी में काम कर रहा था एज अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट। तो मेरा रोल जो था वो बिल्कुल प्योरली टेक्निकल था, मेरा जो काम था वो भी टेक्निकल था। तो ये डिफरेंसेस होते हैं इन तीन टाइप्स में। तो ये जो सारे जॉब्स है जब आपकी सेमेस्टर चल रही है तब आप कर सकते हो, राइट? बट क्या आपको पता है जब आपके वेकेशंस हो, या जैसे कि दो सेमेस्टर्स के बीच में मान लीजिए एक मंथ का ब्रेक हो, तब भी आप फुल टाइम जॉब यानी कि 40 आवर्स पर वीक का जॉब कर सकते हो। और ये जो आवर्स है ये आपके 120 डेज या 240 डेज में कंसिडर नहीं किए जाते। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने देख लिया कि ये जॉब्स के टाइप्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इनमें पे कैसे होता है। तो अगर हम बात करें मिनी जॉब की, तो मिनी जॉब में आपको 450 यूरोज मिलते हैं। एंड अगर हम उन जॉब्स की बात करें जो आर्ली बेसिस पे होते हैं, तो मिनिमम 9.5 यूरोज पर आर मिलता है। एंड इस साल ये जो रेट है वो रिवाइज होने वाला है। तो जनरली आपको 9.5 यूरोस से ज़्यादा ही मिलता है, पकड़ लीजिए 10 टू 12 यूरोस तो मिल ही जाता है। एंड अगर हम बात करें डिलीवरी कंपनीज की, लाइक फॉर एग्जांपल लिफ्रांडो है या गोरिलाज है, इसमें अगर आप एक्स्ट्रा डिलीवरी करते हैं या अगर फास्ट डिलीवरी करते हैं तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। और मान लो किसी दिन आपने कम टाइम में ज़्यादा डिलीवरी कर ली तो आपको एक्स्ट्रा पे भी मिलता है, एंड आपको जो टिप मिलती है वो भी टैक्स फ्री रहती है। एंड अगर हम कंपनी की बात करें तो उसमें आप 12 टू 15 यूरोस तक अर्न कर सकते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि आप पैरेलली दो जॉब्स भी कर सकते हैं।
पर आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये जो 20 आवर्स पर वीक की लिमिट है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो अब समझते हैं कि इन स्टूडेंट जॉब से आप मंथली कितना अर्न कर सकते हैं। तो मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट जॉब कर रहा था आई वॉज वर्किंग फॉर 16 आवर्स अ वीक और मेरा आर्ली पे था 12 यूरोस का। तो जब मंथली सैलरी कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर तो पर मंथ 4.33 वीक्स एज्यूम किए जाते हैं, तो मेरी सैलरी जो थी वो दैट वाज रफली अराउंड 830 यूरोस। जनरली अगर आप स्मॉल या मिड साइज टाउन्स में रहते हैं तो आप आसानी से 700 टू 1000 यूरोस के बीच में अर्न कर सकते हैं एंड दिस इज़ लाइक सफिशियंट कि जिसमें आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो कवर अप हो जाते हैं। अगर आप बड़े सिटीज़ में जाओ जैसे बर्लिन है, म्यूनिक है, तो वहाँ पर आपको पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो पकड़ लीजिए कि लाइक 800 टू 1200 या 1300-1400 तक भी आप अर्न कर सकते हैं। तो वापस वही है कि आपके बेसिक जो मंथली एक्सपेंसेस है उसके लिए आप कमा पाओगे, लेकिन अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट है और आपकी उसमें ट्यूशन फीस है तो वो कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए शायद आपको थोड़ा एडिशनल काम करना पड़ेगा, आपको 20 आवर्स पर वीक काम करना पड़ेगा या ड्यूरिंग ब्रेक्स काम करना पड़ेगा, तो वो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है। बट नॉर्मल जो जॉब्स होते हैं उसमें आप मंथली एक्सपेंसेस आराम से कवर कर सकते हैं। ये जो मंथली अर्निंग्स मैंने बताई दैट वाज बिफोर टैक्सेस। तो अब बात करते हैं कि स्टूडेंट जॉब्स पे टैक्सेस कौन से होते हैं। तो बेसिकली टैक्सेस में दो चीज़ें स्टूडेंट्स पे करते हैं। पहली जो होती है उसे कहते हैं रेंट एंड फर्जिशर जो होता है PF, और दूसरा होता है लोन स्टोर जो होता है इनकम टैक्स। तो जब आप स्टूडेंट जॉब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तब मोस्टली आपका सिर्फ रेंट एंड फर्जिशरुंग डिडक्ट होता है विच इज़ 9.14%। तो जो भी है मान लीजिए 10%, तो आप 830 यूरोस अर्न कर रहे हैं एंड लेट्स से अराउंड 10%, तो 80 यूरोस तक का कुछ तो डिडक्शन हो जाएगा और बाकी बची अमाउंट आपको इन हैंड आ जाएगी। ये हो गया पार्ट टाइम जॉब्स या स्टूडेंट जॉब्स के लिए। मिनी जॉब्स के लिए आपको बिल्कुल कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते हैं। अगर आप एट अ टाइम दो जॉब्स कर रहे हैं तो इन दिस केस जो फर्स्ट जॉब है आपका उस पर आप सिर्फ रेंट एंड फर्जिशरुंग पे करते हैं विच इज़ लाइक 9.14%, और जो सेकेंड जॉब है उस पर आप लोन स्टोर पे करते हैं और वो टैक्स जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज आप दो जॉब्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि हमारे टैक्सेस डिडक्ट हो रहे हैं, क्या हम उसे वापस ले सकते हैं। तो आपको आपकी सैलरी स्लिप में चेक करना होता है। अगर आपका रेंट एंड फर्जिशरुंग डिडक्ट हो रहा है जो PF है तो आपको वो बिल्कुल वापस नहीं मिलेगा। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो उसे वापस ले सकते हैं। उनका एक ईयरली लिमिट होता है, जितना आपको आपका अगर इनकम उसके नीचे हो तो आपको पूरा टैक्स का जो आपका डिडक्ट हुआ है वो वापस आता है, तो दैट इज़ समथिंग अराउंड 10,000। तो अगर आपने एनुअली उससे कम अर्न किया है तो आपको टैक्स रिटर्न करना होता है, जैसे आप इंडिया में करते हैं वैसे ही यहाँ पर होता है, वो आप करोगे और उसके बाद जो भी आपका लोन स्टोर इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो वापस आ जाएगा। अगर आप पेड इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या मतलब जो वेकेशंस है या फिर सेमिस्टर ब्रेक है उसमें अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर आपने एक पूरे सेमिस्टर का कोई कोर्सेस नहीं लिए, आपने सिर्फ एक इंटर्नशिप की या फिर आपने पेड थीसिस किया, तो ये सारी कंडीशंस में आपका लोन स्टोर यानी इनकम टैक्स डिडक्ट होता है। तो इस केस में जब ईयर एंड होगा, तो मान लीजिए 2022 चल रहा है, आपने इंटर्नशिप किया या पेड थीसिस किया, तो 2023 में आपको 2022 का रिटर्न फाइल करना है और उसके बाद आपको जो भी टैक्सेस आपके कट हो गए थे वो वापस आ जाएंगे। तो हमने सारे डिटेल्स जान लिए कि जॉब्स के टाइप क्या है, पेस क्या होता है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं या कैसे ढूंढ सकते हैं ये जॉब्स। तो सबसे पहले बात करते हैं और जॉब्स के बारे में। तो अगर आप होटल में या कई बड़े स्टोर्स में काम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इन स्टोर्स जैसे कि ज़ारा है, H&M है, या अगर होटल्स की बात करें तो KFC हो गया या MACD हो गया, इनमें आप डायरेक्टली जाके उन्हें पूछ सकते हैं कि आप स्टूडेंट हैं तो उनके पास कोई वैकेंसीज है क्या लाइक स्टूडेंट जॉब्स के लिए। एंड अगर हम डिलीवरी कंपनीज की बात करें जैसे गोरिलाज है, लिफ्रांडोज है, अगर आपको वहाँ जॉब करना है
तो आप इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इनके वेबसाइट में करियर्स पेज में आपको स्टूडेंट जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस दिखेंगे। तो आप कौन से भी जिस भी सिटी में रहते हो उस सिटी को सिलेक्ट करके, या जैसे मैंने कहा स्टूडेंट जॉब या पार्ट टाइम जॉब सिलेक्ट कर सकते हो एंड फिर रेज्यूमे के साथ अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट जॉब्स जो टेक्निकल फील्ड में होते हैं, तो ये जॉब्स जनरली कंपनीज में या यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल होते हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो ये जो जॉब्स है वो आप इंडीड, लिंक्डइन, जिंग या स्टेपस्टोन पे चेक कर सकते हैं। तो आप जस्ट सर्च में टाइप कीजिए स्टूडेंट जॉब्स और जो भी आपकी फील्ड है, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो भी कंपनीज है उसकी, और उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए हर एक यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट होता है उनका एक जॉब्स पेज होता है और वहाँ पे सारे ओपन पोजीशंस मेंशन किए होते हैं। और एक ऑप्शन जो होता है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है उसकी टीम चेक कीजिए और जो PhD स्टूडेंट्स हैं आप उन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं दे जनरली रिक्वायर असिस्टेंस विच कम्स फ्रॉम मास्टर्स और बैचलर स्टूडेंट्स। तो कोई स्टूडेंट का जो रिसर्च एरिया है वो आपके जो इंटरेस्ट है उसमें बिलोंग करता है, तो आप उस स्टूडेंट को डायरेक्टली मेल लिखिए कि यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी और जो उनका रिसर्च है यू आर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड और आप उनके साथ काम करना चाहते हैं। अगर आपने उस फील्ड का कोई सब्जेक्ट लिया हो, कोई प्रोजेक्ट्स किए हो, तो वो भी मेंशन कीजिए और रेज्यूमे और कवर लेटर के साथ अप्लाई कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो है वो ये है, जो मेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया था, तो बेसिकली जो भी एग्ज़ाम होगी जिस किसी प्रोफेसर की, और अगर आप उनके डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आप उनके जो सब्जेक्ट है उसमें 1.0 जो टॉप मोस्ट ग्रेड है वो स्कोर कीजिए, और उसके बाद आप प्रोफेसर को या जो सीनियर मोस्ट रिसर्चर है उस डिपार्टमेंट में उसे मेल कीजिए, बताइए कि आपने इस सब्जेक्ट में 1.0 स्कोर किया है और आप इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्टेड है, उसमें काम करना चाहते हैं, और आपका रेज्यूमे कवर लेटर के साथ अप्लाई कीजिए। मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे काफ़ी दोस्तों को इस तरह से जॉब मिल गई थी, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो एंड में हम आपको दो टिप्स देना चाहते हैं रिगार्डिंग पार्ट टाइम जॉब्स। फर्स्ट टिप ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ट्राई टू गेट जॉब इन योर फील्ड, दैट इज टेक्निकल जॉब्स, भले वो कंपनी में हो या यूनिवर्सिटी में हो। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप, प्लीज़ डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ फॉर जॉब। तो मान लीजिए आपके शेड्यूल में आप सिर्फ 12 आवर्स निकाल पा रहे हो एंड आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो एंड आप पर अर्निंग प्रेशर है, तो आप सोच रहे हो कि 16 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तो प्लीज़ ये मत कीजिए। जितनी आपकी वर्किंग कैपेसिटी है उतने का ही आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, क्योंकि क्या होगा अगर आप मतलब आपकी वर्किंग कैपेसिटी एक्सीड कर लोगे तो ये आपके एकेडमिक्स पे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो वी वुड सजेस्ट दैट प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़ फर्स्ट। सो वी होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।